भारत में तमाम ऐसे मंदिर, धर्मशाला या धार्मिक स्थल हैं जहां पर हजारों लोग मन्नतें मांगने आते हैं। कुछ तो गुप्त दान से लेकर करोड़ों रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और पुण्य कमाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ धार्मिक स्थलों की यात्रा करने से या गुप्त दान करना ही सेवा भाव है? देखिए, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि एक बार सोचिए कि किसी को जीवन दान देने से बड़ा कोई दान हो सकता है क्या? अगर आप किसी भी तरह से किसी को जीवन जीने में मदद कर जाएं, वो किसी भी तरह का हो, तो शायद लोगों की मदद भी हो सकती है और मदद करने वालों को सुकून भी मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। आपके साथ मैं हूं हरीश असवाल। आज भारत एट नाइन के खास एपिसोड में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको सुगत अनुभूति होगी। जी हाँ, क्योंकि ये सेवा भाव वाकई ही तारीफ के काबिल है। आप में से हर किसी ने सरकारी अस्पताल देखे होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके अपनों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में चल रहा होगा। जब कोई मरीज किसी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके साथ कई तीमारदार भी होते हैं। इन जैसी संस्थाओं में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लोग दूर दराज से इलाज कराने आते हैं। ऐसे में उनके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना होता है, ना खाने पीने की व्यवस्था। लेकिन कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत ही अच्छी पहल कर रही हैं। ऐसी संस्थाएं तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था करती हैं, वो भी निःशुल्क या बहुत ही कम दामों पर। क्योंकि हमने देखा है कि मरीजों का इलाज कराते कराते तीमारदारों की हालत भी मरीजों जैसी हो जाती है। दर दर की ठोकरें खाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में आने वाले तीमारदारों के लिए सुखद खबर है। अब अगर आप ऋषिकेश एम्स आते हैं तो आपको तमाम सुख सुविधाएं मिल जाएंगी और इस तरह से लोगों की मदद करना किसी चारधाम यात्रा से तीर से कम नहीं होगा। तो कहने का भाव यह है कि आप इस तरह की संस्था से जब लोगों की मदद करना किसी चारधाम यात्रा से कम नहीं होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में आने वाले मरीजों और तीमारदारों के लिए भावराव देवरस सेवा न्यास की ओर से माधव सेवा विश्राम सदन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका शिलान्यास योग गुरु बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संत विजय कौशल महाराज जी, भैया जी जोशी, पूर्व सरय सरकावा आरएसएस ने किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह एक ईश्वरीय कार्य है, इसमें हम पूरी सेवा देंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से उन्होंने न्यास को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उनके न्यास में माधव सेवा सदन का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, ये मेरे बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत ही गौरव की बात है। और उस समय में जब हम पढ़ते थे तो पहली बार 1998 में हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में भाराव के नाम से भाराव द्वार लखनऊ विश्वविद्यालय में उस समय की सरकार के द्वारा हम एम्स के समीप वीरभद्र में विश्राम सेवा सदन का निर्माण 3.5 एकड़ भूमि पर करीब 56 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। भावराव देवरस न्यास की ओर से यह निर्माण कराया जा रहा है। भावराव ने अपना पूरा जीवन मां भारती के समर्पित किया है। हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा का प्रमुख केंद्र इसलिए है, इसके महत्व को कम नहीं समझा जा सकता। राष्ट्रहित में प्रयास है कि यह आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुविधापूर्ण यात्रा सुविधा उपलब्ध हो, जिसमें दीनहीन साधु संत गरीब लोगों का इलाज बेहतर तरीके से हो सके। वहीं इस कार्यक्रम को मौजूद योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि सेवा न्यास की ओर से विश्राम सदन के निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है, इसमें पतंजलि परिवार भी पूर्ण सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के पुण्य कार्य में हर सक्षम व्यक्ति को उदारता के साथ दान करना चाहिए। मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा ही मानी जाती है। और इसके साथ साथ उन्होंने घोषणा की कि मुझे जो भी आदेश होगा 25-50 या उससे भी ज़्यादा का दान, लाख की बात कर रहा हूँ, 25-50 लाख से ज़्यादा का दान जो भी मेरे लिए आदेश होगा मैं पूरा करूँगा। बाबा रामदेव गुरु ने बड़ी उदारता से अपने इस शब्दों को विराम दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने न्यास को 20 लाख रुपए, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल जी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर संघ के पूर्व सह संघ कारवा सुरेश जोशी भैया जी, संत विजय कौशल जी, संघ के प्रांत प्रचारक युद्धवीर जी और संघ के सह संघ कारवा
माननीय कृष्ण गोपाल जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनकी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ था, वो सभी इस कार्यक्रम के साक्षी रहे। आज जिस सेवा के मंदिर के शिलान्यास में आप उपस्थित हैं, इतना पावन कार्य, चार धाम की यात्रा से जो फल नहीं मिलेगा वो फल इसकी सहायता करने से मिल जाएगा। आप इसके साथ जोड़िए, ये साक्षात गंगा है, ये सब पापों को नष्ट कर देगी आपके। कुछ न कुछ किसी प्रकार की, हम किस प्रकार की सेवा से कितने जुड़ सकते हैं, भवन में कुछ निर्माण में सहयोग कर सकते हैं, भवन के संचालन में सहयोग कर सकते हैं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, सवेरे की चाय की व्यवस्था कर सकते हैं, सवेरे के नाश्ते की व्यवस्था कर सकते हैं, दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, सायंकाल की चाय की व्यवस्था कर सकते हैं, रात्रि के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, मरीजों के दूध की व्यवस्था कर सकते हैं, मरीजों के फलों की व्यवस्था कर सकते हैं। जनरल वार्ड में गरीब आता है, धक्के खाने वाला, ठोकरें खाने वाला, जीवन से निराश हताश हो चुका है, वो जनरल वार्ड में आया करता है। उनके वस्त्रों की व्यवस्था कर सकते हैं, दैनिक आवश्यकता की चीज़ों की व्यवस्था, तेल है, साबुन है, कंघा है, शीशा है, नेल कटर है, पॉलिश है, ब्रश है, तौलिया है, अंडरवियर, बनियान है, इनकी व्यवस्थाएं कर सक, यानी किसी न किसी प्रकार इस मंदिर की सेवा करिए। तो इन लोगों ने इस कदम की सराहना की और हम भी इस कदम की सराहना करते हैं। ऐसे कार्यों से युवाओं की प्रेरणा मिलती है और हम भी इस कदम की सराहना करते हैं। ऐसे कार्यों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है और ये सीख भी कि हमारे देश का युवा ऐसे कार्यों में अपना योगदान दे। जो व्यर्थ का खर्च करते हैं उसमें से एक छोटा सा योगदान का हिस्सा संस्था को देकर देखिए, बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि मैं तो इस कार्यक्रम में शामिल हुआ तो अनुभूति हो गई कि इस दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। लोगों की मदद करना तीर्थ बराबर ही माना जाता है। आरएसएस एक हिंदुओं का संघ है, लेकिन उदारता देखिए, यहाँ एक भवन नुमा मंदिर में किसी भी जाति धर्म को जुड़ा व्यक्ति यहाँ आकर इलाज करा सकता है। यहाँ तमाम नेता पहुँचे, संत पहुँचे, लेकिन एक बार भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ राजनीति से जुड़ा कोई व्यक्ति मौजूद है। यह भी देखा तो सिर्फ सेवा भाव ही नजर आया। देखिए, अगर आप चारधाम यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहला आपका यही से होकर गुजरना होगा। तो आप अपनी जेब में एक रुपए से लेकर कितना भी यहाँ दान कर सकते हैं, चाहे तो जाते आते वक्त, क्योंकि इससे बहुत सुकून मिलेगा, आपको इस बात की मेरी गारंटी है। हजारों लोगों की दुआएं इसमें जुड़ी हैं। सिर्फ पैसे से मदद करके आप न समझें कि आप दान कर रहे हैं, आप श्रमदान कर सकते हैं और कई प्रकार से आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं। वह खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, रहने की व्यवस्था में आप सहयोग दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप मदद वहां कर सकते हैं। जब मैं इस संस्था से मिला तो लगा कि कोई प्रोग्राम इस पर जरूर होना चाहिए। इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ सेवा भाव है, ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें, ये आवाज़ पहुंचा सकें कि ऐसी भी संस्थाएं हैं जो इस तरह के सराहने कार्य कर रही हैं। युवाओं को इससे जरूर जुड़ना चाहिए ताकि ये योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चल सके, सुचारू रूप से इनका आगे मार्गदर्शन हो सके और इनके द्वारा पूरे देश में इस तरह की संस्थाओं को और आगे बढ़ावा मिल सके। शायद यही राष्ट्र निर्माण की बात हो सकती है, यही राष्ट्र निर्माण है। क्योंकि राष्ट्र में काम होगा तो देश आगे बढ़ेगा, अब भावनाएं रहेंगी तो एकता आएगी। अपने आसपास के युवाओं को प्रेरित करें जिससे उनमें एक ऐसी ऊर्जा और भावनाएं आए, क्योंकि राष्ट्रहित में काम होगा तो देश का निर्माण बेहतर होगा। आज मैं बस यही कहूंगा, ऐसी तमाम संस्थाएं होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच सके, तीमारदारों की सेवा हो सके, भटकते लोगों को आसरा मिल सके, जो कि राष्ट्रहित में ही होगा। न धर्म न जात, सिर्फ देश और देश की बात होगी। वाकई जो लोग ये पूछते होंगे कि राष्ट्रहित की बात की जाती है लेकिन काम नहीं, तो ये जवाब है क्योंकि ये लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें हर सुविधाएं मिल सके। क्योंकि हमने अपने कई सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों को यूं ही सड़कों पर, फुटपाथों पर, अस्पतालों के बाहर
और सबवे पर सोते रहते और खाना बनाते देखा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठती है। गर्मी सर्दी बरसात सब बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि इनका कोई अपना अंदर अस्पताल में इलाज करा रहा होता है। ये पहल वाकई ही तारीफ के काबिल है और किसी तीर से कम नहीं। आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही, और अगर आपको ये प्रोग्राम प्रेरणादायक लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हज़ारों लोगों की मदद हो सके। इसके साथ ही इस संस्था की मदद करने के लिए भी जुड़ने के लिए आप प्रेरित करें। संपर्क नीचे है। आपसे आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि मैंने अनुभव किया है, मदद करके अच्छा लगता है, आप भी कोशिश कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।